स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सभी जिला वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं व मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सीमित रखे गए हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम नई अनाज मंडी में होगा, जिसमें हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में जनता या दर्शकों को आमंत्रित नहीं किया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं होगा। केवल परेड और कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रशंसा पत्र वितरित करने के कार्यक्रम रहेंगे। उपमंडल स्तर पर भी इसी तरह के संक्षिप्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने तमाम जिला वासियों से अपील की है कि वे अपने घरों में रहकर स्वतंत्रता दिवस को मनाएं या इसका लाइव कार्यक्रम टेलीविजन पर देखें। उपायुक्त ने विशेष रूप से स्कूलों के लिए भी अपील कर कहा है कि स्कूलों में केवल स्टाफगण स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, जिसमें बच्चों को ना बुलाएं, क्योंकि इकट्ठे या भीड़ को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने जिला वासियों से यह भी कहा है कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में जिस तरह से सभी लोगों ने अब तक प्रशासन का साथ दिया है, उम्मीद है कि उसे आगे भी यानी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई खत्म होने तक जारी रखेंगे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी करनाल वासियों को आने वाले 74वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहूंगा। साथियों, जैसा आप सब लोगों को मालूम है, कोरोना महामारी के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस के जो समारोह हैं वो बिल्कुल सीमित रूप से मनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जिला स्तरीय कार्यक्रम भी नई अनाज मंडी में मनाया जाएगा, लेकिन हमने कोरोना महामारी के चलते इसमें पब्लिक गैदरिंग और बच्चों की प्रस्तुतियां नहीं रखी हैं। मुख्य अतिथि झंडा कराएंगे और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित करेंगे। बड़ा एक संक्षिप्त सा प्रोग्राम हमने रखा है। इसी प्रकार से सभी उपमंडल स्तरों पर भी स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और संबंधित SDM उसमें ध्वजारोहण करेंगे। मेरी सभी करनाल वासियों से अपील रहेगी कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस अपने घरों पर रहकर ही मनाएं, और विशेष रूप से मेरी अपील रहेगी हमारे सभी स्कूलों से कि स्कूलों में बच्चों को बिल्कुल ना बुलाएं और अपने स्टाफ के साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाएं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, कोरोना महामारी के चलते लोगों का गैदरिंग जो है प्रोहिबिटेड है, और हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि इस बार हम अपने घर रह करके ही स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। आप सब लोगों ने अब तक प्रशासन का इस कोरोना की लड़ाई में बहुत साथ दिया है। मैं आगे भी इसी प्रकार के साथ की उम्मीद करता हूँ और आप सबको पुनः एक बार 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।